ट्यूबर्स कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की एक्सपोर्ट न्यूज़ में मैं बात करूंगा जर्मनी के बारे में। जर्मनी को एक्सपोर्ट अभी क्या क्या कर पाओगे, क्या क्या प्रोडक्ट जर्मनी में अभी डिमांड है, उसके बारे में बात करेंगे। जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारे हम वीडियोज बना चुके हैं, तो आप अगर यूट्यूब में जाकर सर्च बार में टाइप करोगे हाउ टू एक्सपोर्ट टू जर्मनी ट्यूबर्स कॉरपोरेशन, तो आपको मेरे पुराने वाले वीडियोज आपको दिखाई देगा। तो फिलहाल जर्मनी से न्यूज़ है, तो जर्मनी जो है काफ़ी सारे उनके पास फ्रूट्स वेजिटेबल्स का रिक्वायरमेंट्स है। समर स्टार्ट हो चुका है और समर का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अलग अलग कंट्री से जर्मनी को एक्सपोर्ट हो रही है। अगर आप जर्मनी को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एवरीथिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू जर्मनी। जर्मनी का सुपर मार्केट्स में काफ़ी सारे फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह एंड फ्रूट्स वगैरह वर्ल्ड वाइड अराइव हो चुका है और ये बेटर टाइम में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो टू जर्मनी। जर्मनी को चाहिए ऑल द वेजिटेबल्स, जैसा ऑनियन, टमाटोज, पोटैटोज, कोक्यूम्बर, लेट्यूस, इवन ग्रीन चिल्ली, भिंडी, एवरीथिंग आप इंडिया से पैक करके जर्मनी को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रूट्स में आप रेगुलरली बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हो और मैंगो, अभी मैंगो सीजन है, मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते और जैक फ्रूट्स बहुत डिमांड है इन द यूरोपियन कंट्री। जैक फ्रूट को ठीक से पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपका जो जैक फ्रूट का, इंडियन जैक फ्रूट का अभी यूरोप में बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज मंगा रहे हैं और जैक फ्रूट को आप ठीक से पैकिंग करके, क्योंकि पूरा जैक फ्रूट को तो नहीं बेच पाओगे, तो उसको ठीक से पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। पाइनएप्पल का काफ़ी डिमांड है जर्मनी में, पाइनएप्पल एक्सपोर्ट कर सकते हो। लींबू का एक्सपोर्ट कर सकते हो और आपका बनाना और अनार, मैंगो, ये जो प्रोडक्ट हो गया और लीची, तो ये प्रोडक्ट को आप ठीक से पैकिंग करके आप जर्मनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जर्मनी का मेरे पुराने वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ जर्मनी में कितने सारे ट्रेडिंग कंपनी इम्पोर्ट करता है, कितने सारे आपका जो सुपरमार्केट्स इंपोर्ट करता है और जर्मनी से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। तो वंस अगेन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जर्मनी से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। मैं और एक वीडियोज आपके लिए लाऊँगा ताकि जर्मनी का वीडियोज देखकर आप स्टार्ट कर सकते हैं जर्मनी टू एक्सपोर्ट टू जर्मनी, ठीक है। तो अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट करते हो टू वर्ल्ड वाइड मार्केट, तो आप जर्मनी को अभी टारगेट कर लीजिए। जर्मनी टू इंडिया टू जर्मनी फ्रिक्वेंटली आपका जो एयर फ्लाइट्स जाती है, फ्लाइट्स फ्लाई होता है बहुत सारे फ्लाइट्स, लुफ्थांसा एयरवेज उनका डायरेक्ट फ्लाइट्स है इंडिया मुंबई दिल्ली टू जर्मनी, एंड आपका जो हमबर्ग उनका जो पोर्ट है, तो बाई सी कार्गो एंड बाई एयर कार्गो के द्वारा आप काफ़ी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं पुराने वीडियो में मैं जितने सारे ट्रेडिंग कंपनी इंपोर्ट कर रहे हैं उनका नाम दे चुका हूँ और जितने सारे आपका ये सुपरमार्केट्स इंपोर्ट करते हैं उनका नाम दे चुका हूँ। और हमारा अभी जो हमारा कंपनी का ये न्यूज साइट है, ब्लॉग साइट से, एक्सपोर्ट का ब्लॉग साइट से, वो अभी स्टार्ट हुआ है और इसमें बहुत सारे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना अपना ब्लॉग्स न्यूज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप जर्मनी के साथ साथ वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो आप हमारा मैगजीन, ऑनलाइन जो मैगजीन है, एक्सपोर्ट मैगजीन है, तो उसमें आप एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें वर्ल्ड वाइड स्पेन से, जर्मनी, इटली, बहुत सारे कंट्री से जो एक्सपोर्टर्स है एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप हमारा जो वेबसाइट है, सॉरी ऑनलाइन मैगजीन है www.blogs.trademyproducts.net है, इसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो कॉस्ट है, तो एक एडवर्टाइजमेंट दोगे, मतलब एक आपका कंपनी के बारे में, आपका प्रोडक्ट के बारे में फोटोज वगैरह पब्लिश होगा, वन टाइम दोगे तो $25 है एक टाइम दोगे तो। अगर एक साल में आप जाओगे, साल में ईयरली जाओगे, तो $15 पर पब्लिश होगा, पर पब्लिकेशन, और आपको एक साल में 24 पब्लिकेशन आएगा, मतलब हर महीना में आपको मैं दे सकते, एक तारीख को एक आएगा पब्लिकेशन, एक पब्लिश होगा और 15 तारीख को एक पब्लिश होगा, तो आपका कंपनी के बारे में दो पब्लिश होगा आपका कंपनी के बारे में। एग्जांपल, आप
वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा जो इन हाउस राइटर्स है आपका कंपनी के बारे में लिखेंगे, आपका फैक्ट्रीज आपका एग्रीकल्चर फार्म के बारे में लिखेंगे, हार्वेस्ट कहाँ हो रहा है, कहाँ एक्सपोर्ट हो रहा है, तो टाइम टू टाइम लिखेंगे और आपका फोटोज वगैरह पब्लिश करेंगे और हमारा ब्लॉग्स डॉट ट्रेड माई प्रोडक्ट डॉट नेट में ये ब्लॉग्स डॉट ट्रेड माई प्रोडक्ट में ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद इसको आपका जो पब्लिकेशन को आपका जो पब्लिश को आपका एडवर्टाइजमेंट को वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर ट्रेडर्स बायर्स सुपरमार्केट सीईओस एंड ऑल द ट्रेडिंग कंपनीज की पीपल्स पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर इंटरेस्टेड होंगे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो न्यूज एंड ब्लॉग्स चैनल है ब्लॉग्स साइट है www.blogs.trademyproducts.net में जाकर आप एक्सपोर्ट का न्यूज पढ़ सकते हैं। इनमें ये न्यूज एंड ब्लॉग्स साइट में न्यूज आता है एंड एक्सपोर्ट का न्यूज आता है, लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमी के बारे में काफ़ी सारे पब्लिक्स होता है। तो अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर काफ़ी कुछ जानना है तो आप हमारा ये ऑनलाइन का जो साइट है ऑनलाइन न्यूज एंड ब्लॉग साइट है ब्लॉग्स डॉट ट्रेड में प्रोडक्ट्स पढ़ते रहिए। और अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सपोर्ट न्यूज़ में मैं बता दिया, जर्मनी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, जर्मनी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और जर्मनी को कैसे एक्सपोर्ट करोगे और जर्मनी से कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, या आप यूट्यूब में सर्च बार में लिख कर हमारा पुराना वीडियोज देख सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक वीडियो लाऊंगा, जर्मनी से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, जर्मनी को एक्सपोर्ट करने के लिए जर्मनी का जो इम्पोर्टेंट डाटाज है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है, इम्पोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स वगैरह मैं आपको लिस्ट करके दिखा दूंगा। तो आप मेरे पुराने वीडियोज़ देख लीजिए और आने वाले न्यू वीडियोज़ भी देख लीजिए। आशा करता हूँ हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।